Home class 9th. Welcome with your computer science subject, chapter number 3. Today we will discuss our next topic from page number 57, topic number 3.2. टुडे वी विल डिस्कस फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क. अब आप लोग नेटवर्क, जब हम नेटवर्क तो आपको पता है कि इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, आप लोग के कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड जब होते हैं कंप्यूटर तो वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं. अब वो उस नेटवर्क की कितनी टाइप्स हैं कि आप लोगों का जो नेटवर्क है उसकी कनेक्शन किस बेस पे है, इसको हम लोग जो है वो क्लासिफाइड करते हैं. फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ टाइप, मतलब ये किस टाइप पे कनेक्शन जो है वो इस बिल्ड हुआ है, किस टाइप पे जो है वो कनेक्शन जो है वो स्टेबल हुआ है. ऑफ कनेक्शन एंड टोपोलॉजीज इन द फॉलोइंग सेक्शन विल डिस्कस. हम यहाँ पे इसकी डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कनेक्शन, हमारे पास कितनी तरह के कनेक्शन जो है वो अवेलेबल हैं. टू डिवाइसेस कैन बी कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सम वे टू द सेम लिंक एट द सेम टाइम. अब आप लोगों के, हम लोग कनेक्शन तो तभी कहेंगे ना जब आप लोगों के दोनों डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हों सेम लिंक के साथ, कि अगर एक जो है वो डिवाइस केबल यूज़ कर रहा है तो दूसरा जो है वो दूसरा भी केबल ही यूज़ करे, वो सिग्नल्स यूज़ नहीं करे, मतलब कि दोनों एक ही लिंक के साथ कनेक्टेड हों और सेम टाइम में कनेक्शन हो रही हो. क्योंकि वो अगर एक कनेक्टेड है दूसरा कनेक्टेड नहीं है उस वक्त में, तो कनेक्शन जो है ना वो बिल्ड नहीं होता. तो आप लोगों का टाइप्स ऑफ कनेक्शन में पेयर पॉइंट टू पॉइंट या पेयर टू पेयर जो है वो कनेक्शन, हम लोग इसको कहते एक आप लोग का पॉइंट टू पॉइंट या पेयर टू पेयर नेटवर्क हम इसको कहते हैं. और दूसरा है मल्टी पॉइंट, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है और दूसरा हमारे पास जो है वो मल्टी पॉइंट, दो तरह के कनेक्शन जो हैं वो हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे. आर टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ कनेक्शन, दो तरह के ये जो कनेक्शंस हैं यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट है और दूसरा मल्टी पॉइंट जो है वो कनेक्शन जो है वो यहाँ पे बिल्ड होते हैं. इसमें आप लोगों का जो फर्स्ट आप लोगों का कनेक्शन है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, क्या चीज़ है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, मतलब आप लोगों का एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो. डायरेक्टली कनेक्टेड किस तरह हो कि आप लोगों का सपोज यहाँ पे हम लोग दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर रहे हैं पेयर टू पेयर, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में. अब आप लोगों का इसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं. अब आप लोग का दोनों कंप्यूटर एक ही वक्त में सर्वर भी है और क्लाइंट भी है. सर्वर आप लोगों को पता है सर्व करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, जो आप लोगों को आप लोगों ने जो भी रिक्वेस्ट की है उसको सर्व करे. तो आप लोगों का क्लाइंट कंप्यूटर कौन है जो उस रिक्वेस्ट को डिमांड कर रहा होता है. तो आप लोगों को सपोज यहाँ पे दो कंप्यूटर्स हैं ए एंड बी. अब आप लोगों के ए कंप्यूटर को जो है कोई डाटा जो है वो बी कंप्यूटर से चाहिए, तो वो क्या करेगा कि बी कंप्यूटर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा. इस वक्त जो ए कंप्यूटर है वो क्लाइंट है और बी कंप्यूटर जो उसको फाइल जो है वो सर्व करेगा वो आप लोगों का सर्वर है. तो बी कंप्यूटर एज अ सर्वर काम कर रहा है और ए कंप्यूटर क्लाइंट के तौर पे काम करेगा. सेम लाइक उसी वक्त अगर हम लोग का बी कंप्यूटर को ए कंप्यूटर से कोई डाटा कोई चीज़ चाहिए, तो वो ए कंप्यूटर को जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो एज अ क्लाइंट करेगा और ए कंप्यूटर उसको एज अ जो है वो सर्वर उसको जो है वो डाटा सर्व करेगा. मतलब आप लोगों का पेयर टू पेयर कनेक्शन में आप लोगों का जो कनेक्शन में जो भी कंप्यूटर है वो डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और वो एक ही वक्त में क्लाइंट और सर्वर दोनों की जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है. आप देखिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस. टू डिवाइसेस में ये डायरेक्ट लिंक है लाइक सेंडर एंड रिसीवर में, यानी कि सेंडर कंप्यूटर और रिसीवर कंप्यूटर दोनों के दरमियान डायरेक्ट लिंक है. फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन अ रिमोट कंट्रोल एंड अ टीवी. आप लोगों का इसकी पॉइंट टू पॉइंट की एक और एग्जांपल भी आ जाती है कि रिमोट कंट्रोल और टीवी आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, इसमें थर्ड जो है वो पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती. उसके बाद आ जाता है आप लोगों का मल्टी पॉइंट कनेक्शन. मल्टी पॉइंट कनेक्शन मीन कि एक डिवाइस के साथ मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हों, जिस तरह आप लोगों के घर में एक वाईफाई कनेक्शन होता है और उसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स या आप लोगों के डेस्कटॉप कंप्यूटर
कनेक्टेड होते हैं. इन मल्टीपल मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज़ अ लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर. सो मोर डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक. फॉर एग्जांपल इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क अ सिंगल लिंक इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल डिवाइसेस. कि आप लोगों के मल्टीपल डिवाइसेस में जो है वो एक लिंक जो है वो शेयर हो रहा होता है. तो आप लोगों के दो तरह के कनेक्शंस यहाँ पे जो है वो फिजिकली जो है वो स्टेबल होते हैं. फिजिकली जो है वो आप लोगों के जो है वो टाइप्स में आते हैं, क्लासिफाइड में आते हैं दो तरह के कनेक्शन. एक पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट, हम इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी कहते हैं या पीयर टू पीयर कनेक्शन भी कहते हैं. और एक मल्टीपल मल्टी पॉइंट जो है वो कनेक्शन होता है. आप लोगों ने ये जो है वो 3.2 ये टॉपिक लर्न करना है. थैंक यू.